प्रतापगढ़ के कुछ युवाओं ने एक अच्छी पहल की है। ये पर्यावरण संरक्षण के तहत शहर में पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं। ये अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा पौधारोपण पर खर्च करते हैं। बीते 3 सालों में इन्होंने 5,000 पौधे लगाकर इनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली है। फिलहाल इन युवाओं ने इस साल 2,500 पौधे लगाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को पूरा करने में ये जी जान से जुटे हुए हैं। इनके द्वारा 40,000 रुपये खर्च कर जिला अस्पताल में 200 पौधे लगाए जाएंगे। शहर के ये 8 युवा बिगड़ते पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए पिछले 3 साल से जुटे हुए हैं। ये युवा अपनी कमाई के एक हिस्से से अब तक विभिन्न स्थानों पर लगभग 5,000 से अधिक पौधे लगा चुके हैं। इनकी देखभाल और रखरखाव के कारण अधिकांश पौधे अब पेड़ का स्वरूप लेने लग गए हैं। इन युवाओं की टीम की खासियत यह है कि ये बिना किसी संस्था, बिना किसी व्यक्ति विशेष की मदद लिए अपने प्रकृति प्रेम के चलते पौधे लगाने में जुटे हुए हैं। साथ ही ये अन्य लोगों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का कार्य भी कर रहे हैं। इन युवाओं की सोच है कि जीवन में पेड़ों का अहम योगदान है और यदि हम अपने व्यस्ततम जीवन में से प्रकृति के लिए कुछ समय निकाल लेते हैं तो पर्यावरण का संतुलन काफ़ी हद तक बना रह सकता है। ये इनके द्वारा लगाए गए पौधों को संतान की तरह देखभाल करते हैं और इन 8 सदस्यों ने अपने निजी खर्च पर कई जगह पौधे लगाने का कार्य किया है। इस टीम में मुख्य रूप से जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है, जो शुरू से ही इस पुनीत कार्य के सूत्रधार रहे हैं, दीपेश कुनिया। जब हमने इनसे बातचीत की तो इन्होंने बताया कि हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रामीणों तथा समाज संस्था किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं लिया। हम 2-3 लोगों ने मिलकर एक छोटे से रूप में कार्य शुरू किया जो आज अच्छे तरीके से हम पूरा कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि अभी ये जिला अस्पताल में 200 गमले लगाएंगे जिसमें लगभग 40,000 रुपये खर्च आएंगे। वो 40,000 रुपये भी इनकी टीम के 8 सदस्य मिलकर उठाएंगे। फिलहाल इनकी टीम में दीपेश कुनिया, अर्पित सालगिया, महेश शर्मा, टमी कोरिया, यश शाह, कपिल पतंगिया, पीयूष शाह, दिलीप डोसी सहित 1-2 नए लोगों को भी इन्होंने जोड़ा है। इन्होंने पौधे लगाने की शुरुआत 2016 में शहर की कृषि मंडी के पीछे बने मुक्तिधाम से की थी। यहाँ पर ये पौधे काफ़ी फल फूल चुके हैं और इनके द्वारा जो पौधारोपण किया गया उसकी मुख्य खासियत ये रही कि इन्होंने कभी फोटो सेशन में विश्वास नहीं किया। इन्होंने पौधे लगाए, उनको लगातार पानी पिलाया, उनका देखभाल की, जिसके चलते आज वो पौधे काफ़ी फल फूल गए। इनके ग्रुप के सदस्य समय समय पर इन पौधों के लिए पानी और इसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करते रहते हैं। इन्होंने शहर के सेल्टेक्स विभाग के एसटीओ दिलीप बोरीवाल की सहायता से सन 2017 में 500 पौधे लगाए। इसके साथ ही शहर की पुलिस लाइन में एसपी शिवराज मीणा, जो उस समय जिला पुलिस के अधीक्षक थे, उनकी मदद से 1100 पौधे रोपे थे। एक विकासशील देश है जिसमें निरंतर विकास की ओर अग्रसर है, पर जिस तरह से एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू अगर विकास माने तो दूसरा पहलू विनाश होता है, क्योंकि हम विकास के लिए निरंतर जंगलों का दोहन कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें कल कारखाने डालने के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है तो हम बहुत बड़े बड़े पेड़ों को, विशाल पेड़ों को हटा देते हैं। लेकिन अब इसमें अगर हम विकास को रोक भी नहीं सकते, क्योंकि विकास हमारे जीवन का बहुत ज़रूरी है, पर हम विनाश को जरूर रोक सकते हैं। अगर हर व्यक्ति चाहे कि अपने जीवन में ज़्यादा नहीं तो एक पौधा लगाए, उसको जब तक पेड़ न बने तब तक उसको पालन पोषण करके बड़ा करें, तो हम विनाश को जरूर रोक सकते हैं।